निजीकरण के विरोध में बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल। निजीकरण के विरोध व अन्य मुद्दों को लेकर बैंकों ने दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने दो दिवसीय 15 व 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल किया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंकों की प्रमुख तीन सूत्रीय मांगे कुछ इस प्रकार है, जो है नंबर एक, सरकारी बैंकों के निजीकरण की योजना तत्काल वापस ले जाए। नंबर दो, ग्रामीण बैंकों में 11वां वेतन समझौता, 8वां ज्वाइंट नोट बिना किसी काटछाट के पूरी तरह लागू किया जाए। बैंक की तीसरी मांग है ग्रामीण बैंकों के सभी दीर्घ अवधि से लंबित मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए। इस दौरान बैंक के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। के द्वारा किस तरह हड़ताल की गई और क्यों की गई, क्या उद्देश्य हड़ताल का? सरकार के निजीकरण के विरोध में, जो बैंकों का इनके द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में हम UFU के बैनर के तले सभी ग्रामीण बैंक से लेकर जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, सभी आज और कल दो दिन 15 और 16 हड़ताल पर रहेंगे। और लमसम कितने बैंक शामिल हैं, कहाँ कहाँ के जनपद के लोग यहाँ पे? तो अभी अयोध्या और फैजाबाद के, अयोध्या के लोग हैं, गोंडा के हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और हमारी जो UFU द्वारा काल की गई जो है वो है, ये हड़ताल है, ये पूरे देश में है। और देश के सरकार से मांग क्या है आपकी? हमारे निजीकरण का विरोध, एक नंबर एक जो है निजीकरण का विरोध है, और दूसरे पे वो 11वां वेतन समझौता सभी बैंकों में नहीं इम्प्लीमेंटेशन अभी किया गया है, कुछ बैंकों में अभी रह गया है, RRB सहित जो है वहाँ पे हम ये मांग किए हैं कि जो है वो 11वां वेतन समझौता 6 साल लागू किया जाए सभी बैंकों में। क्या नाम है आपका? SC मिश्रा। बैंक के क्या है? ये महासचिव हैं उत्तर प्रदेश स्टेट ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के।